हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। आज है 21 अक्टूबर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी तक बीकॉम का कॉल लेटर इशू नहीं किया गया है। बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस का कॉल लेटर अभी तक इशू नहीं किया गया है। बीएचयू काउंसलिंग 2020 के अंदर मैक्सिमम कोर्सेज के कॉल लेटर इशू कर दिए गए हैं, चाहे बीएससी हो, बीए हो, फिर पीजी कोर्सेज के जितने भी कोर्सेज हैं, मैक्सिमम कोर्सेज के कॉल लेटर इशू कर दिए गए हैं, लेकिन बीकॉम के कॉल लेटर का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। क्या इसके रीजंस हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और हाँ, लॉजिकली समझाने वाला हूं क्यों इतना डिले हो रहा है आपके कॉल लेटर इशू होने में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है कॉल लेटर आने का, साथ ही साथ आपके काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकते हैं और कब तक कंप्लीट हो सकते हैं, ये भी मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो एकदम लास्ट तक देखना है, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन जल्दी बीएचयू की तरफ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा ही, और कॉल लेटर भी जल्दी इशू कर दिया जाएगा। तो देखो, बीएचयू में कॉमर्स फैकल्टी के अंदर टोटल 3 कोर्सेस अवेलेबल है। कौन कौन से? बीकॉम, एमकॉम और एमबीए, ये टोटल 3 कोर्सेस हैं। तो बीएचयू की तरफ से सबसे पहले एमकॉम को कॉल लेटर भेजा गया, एमबीए को भेजा गया, और बीकॉम को अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि कब आपका कॉल लेटर इशू होगा, कैसे कैसे होगा, ये सब अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। तो सबसे पहले ये बता दूं आपको कि एमकॉम की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, अभी तक फी पेमेंट और रिजल्ट का कोई भी इन्फो नहीं दिया गया बीएचयू की तरफ से, लेकिन एमकॉम की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। एमकॉम एमबीए की काउंसलिंग स्टार्ट हुई 20 अक्टूबर से, और ये इंड कब होना है? 24 अक्टूबर तक, ठीक है। और बीकॉम का तो काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो इसका तो भी बात ही नहीं करना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज है 21 अक्टूबर, और एमकॉम का, सॉरी, एमबीए का काउंसलिंग कब का एंड होना है? 24 अक्टूबर तक। आगे के दो डेट जो हैं, 25 और 26, इन दो दिन आपके कॉल लेटर आने के कोई भी चांस नहीं बनते हैं, ना ही काउंसलिंग के चांस बनते हैं, क्योंकि ये इस दिन हॉलीडे है बीएचयू की तरफ से, दशहरा का यहाँ पे हॉलीडे दिया गया है, तो इस दिन ऑफिस वर्क भी बंद ही रहेगा, तो इस दिन तो कोई चांस बनता ही नहीं है। तो कॉल लेटर कब इशू हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। देखो, आपके ये चांसेस बनते हैं कि आज है 21 अक्टूबर, आज रात 8 बजे के आसपास, या फिर 21 से लेकर 24 तक, इन 3 दिन में अगर आपके कॉल लेटर इशू हो जाते हैं, जो कि करना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा डिले हो गया है, लेकिन नहीं होने के भी चांसेस हैं, क्यों वो भी मैं बता ही देता हूं। देखो, एमकॉम का, सॉरी, एमबीए का इंड हो रहा है 24 अक्टूबर का को, फिर फी पेमेंट का उनको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपको जो कॉल लेटर है वो भेजा जाए 27 अक्टूबर को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे पहले नहीं जाएगा, आपको हो सकता है कि इन 3 दिन के बीच में भी आपको कॉल लेटर भेज दिया जाए। अगर इन 3 दिन के बीच में अगर आपको कॉल लेटर भेजा जाता है, तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस अप्रोक्स कहो तो 28 से स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा काउंसलिंग प्रोसेस? काउंसलिंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, 28 अक्टूबर से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे ही कंटिन्यूअस रेगुलर अप्रोक्स कहो तो 6-7 नवंबर तक चलना है काउंसलिंग आपका। अप्रोक्स इतना दिन लग ही जाएगा, क्योंकि संडे वगैरह होगा उसके बीच में, तो 6 और 7 नवंबर तक आपका काउंसलिंग चल सकता है। लेकिन अगर कॉल लेटर आपका इन 3 दिन के बीच इशू नहीं किया जाता है, ठीक, अगर इन 3 दिन के बीच अगर आपका काउंसलिंग, सॉरी, कॉल लेटर इशू नहीं किया जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका कॉल लेटर कब इशू हो? 27 अक्टूबर को, मतलब दशहरा के बाद। अगर 27 को कॉल लेटर आता है, तो ये मान के चलो आपका काउंसलिंग 30 से स्टार्ट होगा, 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और अप्रोक्स 11-12 नवंबर तक आपका काउंसलिंग खिंच जाएगा, ठीक, ये पॉसिबिलिटी है। तो मेरा क्या ओपिनियन, मैं ये कहूंगा कि आपका ये चांसेस है कि इन 3 दिन के बीच आपको कॉल लेटर भेज दिया जाए। अगर नहीं भेजा जाता है, तो ये 99% चांस है कि आपको कॉल लेटर इस दिन भेजा जाए। तो यही है, आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा ही डिले हो रहा है, तो जल्दी कॉल लेटर भेज दिया जाएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है, तो उसे कमेंट बॉक्स में आप डालो, मैं उसे पिकअप करूंगा और उस पर अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। हाँ, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट होने चाहिए। तो आपके जो भी डाउट्स हैं मार्क्स को लेकर, कॉल लेटर वगैरह, कॉल लेटर का तो बता ही दिया, और काउंसलिंग का भी बता ही दिया कि कब आ सकता है। और एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, जो भी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में सेशन 2021 के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया कब से आपका बैच स्टार्ट होना है, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, जल्दी काउंसलिंग प्रोसेस एंड होने दो, काउंसलिंग कंप्लीट हो जाने दो, रिजल्ट वगैरह आ जाने दो, तो उसके बाद से आपके कोर्सेस
स्टार्ट कर दिए जाएंगे दोबारा जैसे हमने 2020 में किया था। तो इसके लिए यहीं रखते हैं खत्म इस वीडियो को। आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्या आपके डाउट्स वगैरह हैं ये कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।